बॉलीवुड इंडस्ट्री में दो अभिनेताओं को दर्शक आज भी बड़े पर्दे पर साथ नहीं देख पाए हैं, जो है सनी देओल और अक्षय कुमार। और दोनों ही अभिनेता बॉलीवुड के नायाब और फ्रेंडली बिहेवियर वाले अच्छे हीरो हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात नहीं पता होगी कि अभिनेता सनी देओल सिर्फ अक्षय से भिड़े ही नहीं, बल्कि अभिनेत्री रवीना टंडन की खातिर उन्हें पीटने भी पहुँचे थे। जी हाँ, ये वारदात काफी पुरानी है, जहां पर सनी देओल अक्षय के साथ हाथापाई पर उतर आए थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ अभिनेत्री रवीना टंडन के खातिर। आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, क्यों सनी ने अक्षय पर हाथ उठाया, इस बात की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा समय था जब किसी फिल्म की शूटिंग होती थी तो सभी स्टार्स सेट पर मिलकर गपशप बातचीत किया करते थे और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी सुना करते थे। लेकिन जिद्दी मूवी के दौरान जब एक्ट्रेस रवीना टंडन सनी देओल के साथ फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो वो अक्सर शूट खत्म होने के बाद कोने में बैठकर रोने लगती थी, जिसे देखकर सनी काफी हैरान हो जाते थे। ये एक दो बार नहीं बल्कि कई बार सनी ने देखा कि रवीना कोने में जाकर चुपचाप रोया करती थी, और ये देखकर सनी को एक बार बहुत ज्यादा बुरा लगा, जहां पर उन्होंने रवीना से चुपचाप बैठकर रोने का कारण पूछा। और रवीना ने इन्हें बताया कि वो पिछले 3 सालों से अक्षय के साथ रिलेशनशिप में है और अक्षय ने इन्हें कहा था कि शादी के बाद ये काम नहीं करेंगी, इसीलिए जल्दी जल्दी अपनी सारी फिल्मों की शूटिंग खत्म करके अक्षय के साथ शादी करने के लिए तैयार थी। मगर अब शिल्पा शेट्टी के साथ लव रिलेशनशिप में आकर अक्षय ने इन्हें धोखा दे दिया है और इन्हें छोड़ भी दिया है, जिसकी वजह से ये अब अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। ये सुनकर सनी को बहुत ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने कहा कि वो अक्षय को समझाएंगे कि वो ऐसा ना करें। हालांकि सनी ने सबसे पहले तो फोन पर अक्षय को खूब समझाया कि वो रवीना के पास वापस आ जाएं, उन्हें धोखा ना दें, मगर अक्षय ने इन्हें काफी बुरा भला कहा, जिसके चलते ये अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए और रवीना के खातिर अक्षय को पीटने के लिए उनके फिल्मी सेट पर पहुंच गए, जहां पर अक्षय ने भी सनी पर हाथापाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इन दोनों की भयानक मारपीट को देखकर सेट के लोगों ने अक्षय और सनी को एक दूसरे से छुड़ाया। पर इस इंसिडेंट के बाद अक्षय और सनी ने काफी लंबे टाइम तक एक दूसरे से बातचीत नहीं की। मगर जब अक्षय ने डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी की, तब डिंपल कपाड़िया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सनी देओल को बहुत समझाया, जिसके चलते सनी देओल फिर से अक्षय के साथ नॉर्मल ही बातचीत करने लगे, क्योंकि सनी ट्विंकल को अपनी बेटी मानते हैं। ऐसे में वो अपने दामाद अक्षय से कैसे ज्यादा दिनों तक नाराज रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने अक्षय को रवीना के साथ गलत करने के लिए माफ कर दिया था और उन्हें अपने दामाद के रूप में भी स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों, आप सनी देओल की इस उदारता के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।